हल्द्वानी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उत्तराखंड का लोकतंत्र पर्व समाप्त हो गया है। इस पर्व को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और इसके साथ ही उन मतदाताओं का भी जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। सुरेश भट्ट ने यह भी बताया कि जिस तरह से इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है और लोगों का रुझान बीजेपी के प्रति दिखाई दे रहा है, इससे ये साफ होता है कि 10 मार्च बीजेपी की सरकार बनेगी और इसी के साथ ही पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरीश रावत जगह बदल कर चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी हार निश्चित है और इस बार कांग्रेस का उत्तराखंड से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ये कांग्रेस यानी जो अपने आप का दावा करती है कि हम देश की इतनी पुरानी पार्टी है, उनको भारत की मेगा पर, भारत की तकनीकी पर, भारत के लोगों पर कोई विश्वास नहीं है, तो वो इस काम को कर सकते हैं। और ये चूंकि उनका पुराना ट्रेंड है, जहाँ थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो वहाँ वो ईवीएम की गड़बड़ी, जहाँ उनके अनुकूल होता है तो वहाँ ईवीएम ठीक, जहाँ उनके प्रतिकूल होता है वो तो ईवीएम की गड़बड़ी, इस बात को कहते हैं। और वहीं देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों ने आम जनता की परेशानियों को बढ़ा दिया है। लंबे समय से शहर में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, लेकिन निर्माण की सुस्त रफ्तार से आम जनता को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए देहरादून जिलाधिकारी और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्याधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ईसी रोड पहुंचकर स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इसके साथ ही गड्ढों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए और कहा कि रात के वक्त भी निर्माण कार्य किए जाएं। देखिए, ये मैं यहाँ पे ईसी रोड वाले स्ट्रेच पे देखने आया था। यहाँ काफी कंप्लेंट्स भी मिल रहे थे कि डिपार्टमेंट्स ने बिना नोटिस दिए जो है यहाँ पे, जैसे बिजली विभाग है उन्होंने भी जो लाइन बिछाने के लिए खोदा हुआ है, और गेल ने भी जहाँ जिस स्पॉट पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे गेल ने अपना काम किया हुआ है विदाउट गिविंग एनी ड्यू नोटिस। तो इनको वार्न कर दिया गया है कि जो काम रात को हो सकते हैं, जहाँ स्पीडली हो सकते हैं, वो रात को करें, और जो इन्होंने गड्ढे वड्ढे खोदे हैं उनको टाइमली भर दें ताकि कोई किसी भी प्रकार का जो है पब्लिक के लिए असुविधा ना हो। वहीं चुनाव के बाद कोविड की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके बाद अल्मोड़ा शहर के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। भीड़ से व्यापारियों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अब बाजार में खरीदारी को जाने लगे हैं। और वहीं केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी है, जिस कारण धाम के तापमान में आपको बता दें कि भारी गिरावट आ गई है। बर्फबारी की वजह से धाम में पुनर्निर्माण कार्य भी ठप पड़ चुके हैं, जबकि नंदी भगवान की मूर्ति भी बर्फ से ढक चुकी है। धाम में बाबा बर्फानी ललित महाराज के साथ ही कुछ साधु संत ही मौजूद हैं, जो सुबह और शाम मंदिर के आगे बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना करने के साथ ही तपस्या भी कर रहे हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी के कारण 6 से 7 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बाबा की नगरी में चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नंदी भगवान भी बर्फ से ढक चुके हैं। पिछले दिनों मंदिर समिति के कर्मचारियों ने केदारनाथ पहुंचकर नंदी की मूर्ति को नए वस्त्रों से ढक दिया, जिससे कि मूर्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। धाम में ज्यादा बर्फबारी की वजह से पुनर्निर्माण कार्य भी ठप पड़ चुके हैं। अब धाम में अप्रैल माह से पुनर्निर्माण कार्यों को शुरू किया जाएगा। धाम में बाबा बर्फानी ललित महाराज के साथ ही कुछ साधु संत मौजूद हैं, जो बाबा केदार की आराधना कर रहे हैं। ललित महाराज आपदा के बाद से धाम में रह रहे हैं और उनका आश्रम मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। वहीं 15 फीट की ऊंचाई और माइनस तापमान में आईटीबीपी के जवान देश की सुरक्षा कर रहे हैं। भारत और तिब्बत सीमा पुलिस के वीर जवान उत्तराखंड हिमालय में चीन से लगी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। वे शून्य से नीचे तापमान में उत्तराखंड हिमालय के 15,000 फीट की ऊंचाई वाले बर्फीले इलाके में गश्त कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश की सीमाएं इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे वीर जवान दिन रात आंधी या तूफान, बारिश हो या फिर बर्फबारी के बीच
सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं। कंधे पर हथियार और हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ रहे इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है। जवानों के घुटनों तक बर्फ है, पूरी ताकत लगाकर जवान आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही इस दिशा में कवायद की जाएगी। सीएम के इस बयान के बाद से राज्य में सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश रावत माफ कीजिएगा हीरा सिंह बिष्ट ने यह कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की घोषणा की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार केंद्र के पास है, न कि राज्य के पास। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का यह कहना है कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, लेकिन भाजपा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। गोवा में भी भाजपा ने ये कर दिखाया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में फिर से बीजेपी की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की घोषणा की है, जिस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई ना कोई सेना में है। दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। एक गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी। हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही, हम एक प्रबुद्ध जनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और सभी के लिए एक समान कानून हो सभी के लिए। मुख्यमंत्री सिविल कोड उसके जुरिडिक्शन से बाहर है। सिविल कोड सेंटर का इश्यू है। मेरे समझ में आया मुख्यमंत्री जी अब कुछ भी कह दें लोग, तो जैसे पहले मुख्यमंत्री थे इनसे पहले आपके चारों से बारिश कर देते थे, बादल देते थे, फाड़ देते थे। ये कुछ भी करने को तैयार है। जो कहते गाजी का पहले टाइम उत्तरकाशी में छीन आई, ये कुछ भी कह देंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं। मतलब कोई गंभीर चाहिए, कोई सीरियस नहीं है। कोई स्टेट का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। तो मैंने समझता कि किस तरह की बातें क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पूछ लो, अगर नहीं नॉलेज है तो बड़ी चिंता का विषय है। देखिए, कांग्रेस को तो कोई भी ऐसा काम जो देश को एकजुट रखता हो, एक सूत्र में पिरोने का काम करता हो, उससे ऐतराज है। और कांग्रेस ने हमेशा इस कानून का, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हमारा रहा हो, चाहे 370 का रहा हो, हमेशा विरोध किया। ये तीनों जो है हमारे मुख्य एजेंडे में थे, हमारे केंद्रीय एजेंडे में थे। दो हमने पूरे कर दिए और तीसरे को भी पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस निश्चित रहे, जिस प्रकार हमने राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा दिया, जिस प्रकार हमने 370 हटा दी, उसी प्रकार हम सिविल कोड भी जो है लागू करके दिखाएंगे। हमने गोवा में लागू किया है, उत्तराखंड में भी लागू होगा और सरकार के गठन के तुरंत बाद हम एक हाई पावर कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें न्यायविद होंगे और निश्चित तौर पर वो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम उत्तराखंड में भी इसको लागू करेंगे। वही विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर अकाउंट से एक फर्जी ट्वीट ने घमासान मचा दिया है। पिछले दिनों से बीजेपी के कई सिटिंग विधायकों ने पार्टी संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने सीधे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए उनको पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। इसके साथ ही काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा और इसी के साथ ही चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से जारी एक ट्वीट से सियासत और बीजेपी में सनसनी मचा दी है। हालात ये हैं कि कांग्रेस ने के कुछ बड़े नेता तक इसे शेयर करते हुए दिखाई दिए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने ये कहा कि ये फर्जी ट्वीट है और कांग्रेस इस पर निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। ये कांग्रेस की एक बड़ी चाल भी है। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ट्वीट नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि वो रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, FIR दर्ज कराने जा रहे हैं, और ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार उसको रीट्वीट कर रहे हैं कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कांग्रेस जो है इस ट्वीट को लेकर कहीं ना कहीं उनकी IT सेल की संलिप्तता है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस दोबारा उत्तराखंड की जनता द्वारा नकार दिए जाने के कारण निराशा में है, कुंठा में है, हताश है, उनको अपनी जो है हार स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार का विवाद वो प्रदेश में खड़ा कर रहे हैं। देहरादून में पूर्व CM हरीश रावत ने वीडियो जारी कर बताया कि लोग पूछ रहे हैं कि 10 मार्च तक वो अपना समय कैसे बिताएंगे। इस पर हरीश रावत ने जवाब देते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड के लोगों के बारे में सोच रहा हूं, उन लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं जिनका मेरे जीवन में महत्व रहा है। ऐसी ही मांगलिक गीत गाने वाली महिलाएं हैं जिनका मेरे जीवन में महत्व है। रावत ने कहा कि मैं पहाड़ों पर मांगलिक गीत की परंपरा को लुप्त होने नहीं दूंगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर हम मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं को 1800 रुपए तक शगुन पेंशन देंगे। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप 10 मार्च तक कैसे अपना दिन बिताएंगे। मैं उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए कुछ सोच आगे बढ़ाना चाहता हूँ जिनका या तो मेरे जीवन में महत्व रहा है या उत्तराखंड के जीवन में भी उनका महत्व रहा है। ऐसे ही लोगों में से एक हमारे गांव में मंगल गीत गाने वाली हमारी महिलाएं भी हैं जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। ये परंपरा कहीं टूट न जाए मांगलिक गीतों की, मैं चाहता हूं कि इसको सम्मान दिया जाए। सरकार हमारी बनने की स्थिति में हम फौरन शगुन पेंशन प्रारंभ करेंगे। वहीं अल्मोड़ा की सोमेश्वर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजवेंद्र बारकोटी ने बताया कि इस बार सोमेश्वर की विधानसभा से उनकी जीत निश्चित तौर पर ही है। आपको बता दें कि यहां से BJP की रेखा आर्या मैदान में है। बारकोटी ने यह भी कहा कि इस बार जनता ने उनको पूरा सहयोग किया है। देखिए सोमेश्वर के, पहले तो मैं सारे सोमेश्वर की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि वहाँ के लोगों ने जो अपना मन बनाया इस बार, गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई जो थी उसमें सारे लोगों ने अपना मन बनाया कि सोमेश्वर विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। और विशेष रूप से जो अपार जन सैलाब मेरे पीछे से था और मेरे सम्मानित जो कार्यकर्ता थे, सारे लोग एकजुट होकर के उन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। और पूरे विधानसभा की बात करूँ तो लोग खुद पर खुद मेरे से कह रहे थे कि चिंता करने की बात नहीं है, इस बार आपका है। वही रामनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद नैनीताल के निर्देशानुसार डॉक्टर जगदीश चंद्र पुलिस अधीक्षक ने अपराध और यातायात नैनीताल के नशा उन्मूलन के संबंध में थाना रामनगर में जनता दरबार लगाया। आम लोग इसी के साथ ही ग्राम प्रधानों और वार्ड मेंबरों की एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और इसी के साथ ही समाज में बढ़ते हुए नशे की ज्वलंत समस्या के निराकरण के विषय में जानकारी दी गई और गोष्ठी में मौजूद सभी संभ्रांत व्यक्तियों इसी के साथ ही ग्राम प्रधानों और वार्ड मेंबरों से उनकी समस्याएं और सुझाव लिए गए। होने के बाद अब पुलिस के जो रूटीन के जो काम है वो शुरू किए जाने हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आज रामनगर कोतवाली में नशे के उन्मूलन के खिलाफ एक मीटिंग रखी गई, जिसमें यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के जो गणमान्य नागरिक थे उनका आमंत्रण किया गया था। इस मीटिंग में तमाम मुद्दे उठे जिसमें रामनगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे नशे की अधिकता है उन जगहों की चर्चा की गई। लोगों के द्वारा यह भी शिकायत की गई कि जब हम किसी को नशे के खिलाफ सूचना देते हैं तो पुलिस उस पर उतनी त्वरित ढंग से कार्रवाई नहीं करती है या उसकी सूचना उसकी गोपनीयता बंद कर दी जाती है। इस ढंग के जो तमाम मुद्दे हैं इन पर बातचीत हुई है, इन सभी मुद्दों को रोक दिया गया है और सभी को ये आश्वस्त किया गया है कि इस पर हम पूरी कोतवाली टीम की तरह कार्य करेगी।
वहीं वेतन भुगतान की एक सूत्रीय मांग को लेकर जोशीमठ में तपोवन धौली गंगा के किनारे बने एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के बैराज स्थल पर कार्यदायी संस्था ऋत्विक प्रोजेक्ट में कार्यरत देश के कोने कोने से कार्यरत ठेकेदार के वर्कर धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार करने पर उतारू हो गए हैं। वर्करों का कहना है कि उन्हें दिसंबर से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते परिवार भुखमरी फैलने की कगार पर है। इधर कंपनी प्रबंधन का कहना है कि दो दिनों के अंदर वर्करों का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल वर्करों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। महीने हो गया सर, गेट पास नहीं मिला है। नवंबर दिसंबर जनवरी का भी पेमेंट नहीं हुआ है, बोलते हैं आजकल करने के लिए भी नहीं मिल सकता है सर। कहाँ के रहने वाले हुआ? यूपी बनारस से रहने वाले हैं। कितने सालों से आप ऋतिक कंपनी में कार्यरत हैं? इस लगभग 4-5 महीने हो गया है। महीना हो गया गेट पास, किसी को कुछ हो जाएगा सर, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर? पताई का इस जितना पैसा मिला वो भी नहीं मिला कि घर सबका राशन पताई भी हो पाए। और उसके बाद अभी जो बोल रहे हैं कि दिसंबर का पेमेंट होगा, दिसंबर का पेमेंट जब होगा तो सर उसके लिए वो जनवरी का फरवरी का भी और कैसे चलेगा? और उधर दिसंबर 3 महीने का तो जो मिलेगा आधा कर्जे में चला जाएगा, और बकिया फैमिली वाले का क्या होगा सर? उनको देने के लिए कोई किसी के पास कुछ पैसा है ही नहीं। 3 महीने से घर पर किसी ने 1 भी रुपया नहीं भेजा होगा, क्योंकि मिला ही नहीं है। जितना मिला उसको खाने पीने के लिए भर हुआ है, और जो मिलेगा इस महीने बोल रहे हैं कि 25 तारीख को मिलेगा, जो भी मिलेगा जिस तारीख को वो मिलेगा तो दिसंबर का मिलेगा। और दिसंबर का कितने पैसा 10,000-12,000 सर बचेगा, उसमें से पीएफ को काटने के बाद वो सब खा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।